नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये चार नियम आपकी जिंदगी बदल देंगे। अगर आप पालन करते हैं इन चार नियमों का तो आपको पूरे जीवन में कभी भी कोई भी बीमारी नहीं होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको चार नियमों के बारे में जानकारी देंगे जो आपके लिए बहुत अधिक जरूरी हैं। अगर आप इनका पालन करते हैं तो आप जिंदगी भर निरोग रहेंगे, कोई भी बीमारी आपको छू नहीं पाएगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं आयुर्वेद के स्वस्थ रहने के इन चार नियमों के बारे में। पहला नियम है भोजन के अंत में पानी बिल्कुल नहीं पीना। 1.5 घंटे के बाद ही आपको पानी पीना है। भोजन के बाद अगर कुछ पीना है तो जूस, लस्सी या दूध पीना है। सुबह भोजन के बाद जूस पीना है, दोपहर को लस्सी पीनी है और रात को दूध पीना है। दूसरा नियम, आप जब भी पानी पिएंगे तो एकदम नहीं पिएंगे, पानी को घूट घूट भर के पिएंगे, जिससे कि आपके मुंह की लार पेट में जाएगी। मुंह की लार क्षारीय होती है और हमारे पेट में एसिड होता है जो अम्लीय होता है। दोनों जब मिलेंगे तो न्यूट्रल हो जाता है। यही सबसे आदर्श स्थिति है। अगर आपका शरीर न्यूट्रल रहता है तो आपको कोई भी बीमारी नहीं आएगी। इसलिए पानी जब भी पिएंगे तो सिप कर करके ही पीना है, थोड़ा थोड़ा घूट घूट करके ही पानी पीना है। तीसरा नियम, आपको जिंदगी में कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना है। अब आप कहेंगे कि ठंडे पानी से मीनिंग क्या है, तो जवाब ये है कि फ्रिज में रखा पानी या बर्फ डाला हुआ पानी आपको नहीं पीना है, ये कभी भी जीवन में नहीं पीना है। अब आप कहेंगे क्यों, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका शरीर ठंडा हो जाए तो इसका मीनिंग होता है, इसका सीधा सा अर्थ है कि आप मर जाएंगे। फिर क्यों ठंडा पानी पीना चाहते हैं? ये ठंडा पानी शरीर के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। आप जैसे ही ठंडा पानी पीते हैं, शरीर ठंडा ना हो इसके लिए हमारा पेट उस ठंडे पानी को गर्म करता है। आप कितना भी ठंडा पानी पिएंगे पेट उसको गर्म करेगा, और पानी को गर्म करने के लिए ऊर्जा लगती है और वो ऊर्जा है आपका रक्त यानी खून। अगर ज्यादा ठंडा पानी पिएंगे तो पेट उस पानी को गर्म करने के लिए सारे शरीर से थोड़ा थोड़ा रक्त खींचेगा, और जब तक वो पानी गर्म नहीं होता उतनी देर के लिए बाकी सभी अंगों को खून की कमी होने लगेगी। और अगर शरीर के अंगों को ये रक्त की कमी नियमित आने लगे तो ये अंग खराब हो जाएंगे, तो आपको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, आपकी किडनी फेल हो सकती है, लीवर डैमेज हो सकता है, आपके शरीर के किसी भी अंग का कबाड़ा निकल सकता है। तो दोस्तों, आपको इस सूत्र का भी पालन करना चाहिए। चौथा नियम ये है कि सुबह उठते ही सबसे पहले आपको पानी पीना है। आपके दिन की शुरुआत आपको पानी से ही करनी है, चाय से नहीं, कॉफी से नहीं। दिन शुरू होना चाहिए तो बस पानी के साथ, और पीने का तरीका मैं आपको बता ही चुका हूँ। पानी हमेशा बैठकर और सिप कर करके आपको पीना चाहिए, जैसे चाय पीते हैं, गर्म दूध पीते हैं, वैसे ही धीरे धीरे आपको पानी पीना है। और आपके लिए सबसे अच्छा मिट्टी के घड़े का पानी है। अगर आप इन चारों नियमों का पालन करते हैं तो 7वें दिन इसके परिणाम आपको चमत्कारिक दिखाई देंगे। जो परिणाम आएंगे उन्हें देख आपको विश्वास नहीं होगा। परिणाम मैं आपको बता देता हूँ। जिनको भी पेट में गैस बनती है, जलन होती है, खट्टी खट्टी डकार आती है, भोजन ठीक से पचता नहीं है, जिनको कब्ज हो गया है, कोढ़ हो गया है, जलबद्धता हो गई है, पेट साफ नहीं होता, ये सब रोग आपसे दूर हो जाएंगे। जिनको भूख नहीं लगती उनको भूख लगेगी, अच्छी नींद नहीं आती उनको नींद बहुत अच्छी आएगी। जिनको सुबह सुबह उठते ही सिर में दर्द होता है वो 6 से 7 दिन के बाद गायब हो जाएगा। जिनको आधे सिर में दर्द होता है वो भी सही हो जाएगा। जिनको पूरे सिर में होता है वो भी सही हो जाएगा। जिनको चक्कर आते हैं वो चक्कर भी सही हो जाएंगे। ऐसे साधारण से लेकर असाधारण बीमारियां जिनकी संख्या 48 है, इन चार नियमों के पालन से ही ठीक हो जाएंगी। पांव में एडी का दर्द ठीक हो जाएगा, घुटने का दर्द 25 से 30% तक 7 दिन में ही चला जाएगा, और जो 1.5 से 2 महीने में सूत्र आपने पालन किया तो घुटने का 50% दर्द कम हो जाएगा, कमर का दर्द 50% ठीक हो जाएगा, कंधे का दर्द ठीक हो जाएगा। ऐसे आपके शरीर के बहुत सारे रोग इन चार नियमों के पालन से ही सही हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज से ही आयुर्वेद के इन स्वस्थ रहने के चार नियमों को अपनाइए और अपने शरीर को सभी तरह की बीमारियों से बचाइए। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।